हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम कोड गाइड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ वी कैन क्रिएट एन इमेज कोड यूजिंग पाइथन पाइथन के अंदर एक इमेज कोड क्रिएट करने के लिए सबसे पहले दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है आपको चाहिए एक बैकग्राउंड इमेज जिसके ऊपर आप कोड लिखना चाहते हो और आपको चाहिए एक ब्यूटीफुल सा कोड जो आप उस इमेज के अंदर क्रिएट करना चाहते हो ओके okay? गूगल के अंदर आपको ढेर सारे इमेज कोड मिल जाएंगे जिनसे आप रिलेट कर पाते हो और आप उसे डाउनलोड करके डायरेक्टली अपने सोशल मीडिया पे डाल देते हैं बट हमने कभी भी ऐसा सोचा नहीं होता है कि हम खुद कैसे क्रिएट कर सकते हैं या मोस्ट ऑफ द पीपल ऑल्सो क्रिएट दीज थिंग्स बाय यूजिंग सम ऑफ़ द करेंगे यूजिंग पाइथन बाकी जगह से भी हो जाता है पाइथन से कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी एंड जिन लोगों को नहीं पता है इमेज कोड क्या होता है इमेज कोड कुछ इस तरीके से होता है एक बैकग्राउंड इमेज होती है जिसके ऊपर आप टेक्चुअल डेटा लिख के अपना जो कोट है वो इमेज कोट बना देते हैं एक नॉर्मल कोड इमेज कोट बन जाता है कैन ऑल्सो बी लाइक दिस एंड इवन दिस ओके ऑल दीज आर इमेज कोड्स ये मैंने गूगल से ही डाउनलोड किए हैं बट आज हम डाउनलोड नहीं करेंगे आज हम खुद क्रिएट करेंगे ओके बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू माय चैनल यू कैन फाइन द लिंक ऑफ प्रीवियस वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑल्सो इन दिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन फाइन द लिंक ऑफ माई ब्लॉग वेर आई अपलोड नोट्स एंड द सोर्स कोड रिगार्ड आई टीच है सो इफ यू आर इंटरेस्ट यू कैन चेक दम आउट एज वेल Now, without any further ado, let's get started. <music> कोडिंग के लिए मैं वी एस कोड आई डी ई यूज कर रही हूँ आप अपनी मर्जी का कोई भी आई डी ई यूज कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस और जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना होता है तो आप पहले रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेते हो आपको मेक श्योर sure करना होता है कि जो भी लाइब्रेरीज आप यूज करने वाले हो वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है या नहीं है तो आपको क्या करना है अगर आप वी एस कोड आई डी ई ही यूज कर रहे हो तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो आपको टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल क्लिक करना है ये तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे जाके आपको कमांड लिख नहीं होती है इंस्टॉलेशन कमांड अगर आप VS कोड आई डी ई यूज नहीं कर रहे हैं यू हैव टू प्रेस द विंडोज की एंड आर ओके तो ये रन विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपको लिखना होता है सीएमडी और आपको ओके okay प्रेस करना है तो ये आपका सीएमडी ओपन हो जाएगा यहाँ पे भी आप अपनी इंस्टॉलेशन कमांड लिख सकते हैं जो कि मैं यहाँ पे वीएस कोड आई पे लिखूंगी सेम वही कमांड ओके तो यहाँ पे मुझे लिखना है पिप इंस्टॉल और मुझे बताना है कि मुझे कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी है वो मैं लिखूंगी पिलो लाइब्रेरी पिलो लाइब्रेरी का यूज करके आज का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं तो मेरे सिस्टम में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं अब प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ अगर ये इंस्टॉल नहीं हुई आपके सिस्टम में तो ये पहले इंस्टॉल होगी और आपको मैसेज मिल जाएगा दैट इट इज इंस्टॉल सक्सेसफुली ओके नाउ यू कैन कंटिन्यू विद द कोड ये मेन्ड और पी वाई मेरी फाइल है जो मैंने इस फोल्डर में ओपन की हुई है यहां पे मैं कोड लिखूंगी पायत का किसी भी लाइब्रेरी को यूज करने से पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होता है अपने फाइल में तो पहले मैं लिखूंगी फ्रॉम पी आई एल इंपोर्ट ओके okay. ये इम्पोर्ट स्टेटमेंट है जिसकी मदद से हम अपनी लाइब्रेरीज uh, को इम्पोर्ट करते हैं अपनी वर्किंग फाइल में ओके फ्रॉम पी आई एल एंड पी आई एल स्टैंड फॉर पाइथन इमेजिंग लाइब्रेरी और यहाँ से हम इम्पोर्ट करने वाले हैं कुछ मॉड्यूल्स जो हमने यूज करने हैं तो पहला मॉड्यूल जो हमने यूज करना है वो है इमेज मॉड्यूल तो हम इमेज लिखेंगे कॉमा इमेज ड्रॉ मॉड्यूल हमें यूज करना है तो हम इमेज ड्रॉ मॉड्यूल लिखेंगे इमेज ड्रॉ Okay. एक और मॉड्यूल हमें यूज करना है वो है इमेज फॉन्ट मॉड्यूल तो वो भी हम ले लेंगे ठीक है जितने भी मॉड्यूल्स अगर एक सिंगल लाइब्रेरी से यूज कर रहे हो आप तो आप उसे कॉमा सेपरेटर से सेपरेट करके एक लाइन में भी लिख सकते हैं ओके नाउ आई हैव टू टू प्रेस एंटर एंड मूव द नेक्स्ट स्टेप अब ये लाइब्रेरीज हमने इम्पोर्ट कर ली है तो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताती हूँ इस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है सबसे पहले हमें क्रिएट करना है एक इमेज ऑब्जेक्ट सो आई राइट क्रिएट एन इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट एन इमेज ऑब्जेक्ट देन वॉट वी नीड टू डू इज वी नीड टू क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट ओके तो हम क्या करेंगे फॉन्ट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेंगे क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट ओके देन वी हैव टू क्रिएट अ पेन पहले आपने एक इमेज क्रिएट करनी है ठीक है उस इमेज को उस इमेज के ऊपर कुछ भी लिखना है तो उसके लिए ड्रॉइंग पेन चाहिए रहेगा तो पेन भी क्रिएट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्रिएट अ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट ओके okay? तो ड्रॉइंग पेन ऑब्जेक्ट भी आपको क्रिएट करना होता है अब जो भी फॉन्ट आपको टेक्स्ट का चाहिए उसके लिए आपको फॉन्ट ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ओके okay, तो फॉन्ट ऑब्जेक्ट भी हो गया ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी हो गया इमेज ऑब्जेक्ट भी हो गया अब क्या करना है अब हमें राइट करना है टेक्स्ट तो नेक्स्ट स्टेप होगा राइट द टेक्स्ट ऑन इमेज बट हेयर आप क्या कर रहे हो टेक्स्ट को ड्रॉ कर रहे हो तो बेटर विल बी ड्रॉ

न्यू मैथड को कॉल कर रही हूं फ्रॉम द इमेज क्लास ओके न्यू मैथड के अंदर मुझे क्या क्या स्पेसिफाई करना होता है वो मुझे यहां से भी देखने को मिल रहा है सबसे पहले मुझे मोड डिफाइन करना है देन साइज एंड देन कलर मोड आपको बताना होता है कि आपको कौन से मोड में इमेज को यूज करना है सेकेंड पैरामीटर होता है साइज साइज के अंदर आपको एक टप्पल यूज करना है टप्पल के अंदर आपको दो चीजें स्पेसिफाई करनी होती है विथ और हाइट और दोनों की दोनों पिक्सल्स में कंसिडर की जाती है थर्ड पैरामीटर है कलर और उसका डिफॉल्ट कलर आपकी इमेज क्रिएट होती है अगर आप कलर की कोई भी वैल्यू नहीं प्रोवाइड करोगे तो बाय डिफॉल्ट कलर जो है वो ब्लैक आएगा इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलर इक्वल्स टू जीरो हम चाहे तो हम कलर इक्वल्स टू कलर का नेम भी लिख सकते हैं अदरवाइज हम उसकी इंटीजर वैल्यू भी दे सकते हैं जो भी कलर्स की वैल्यू होती हैं आप गूगल करके कलर्स की वैल्यू भी चेक कर सकते हैं या उनका आरजीबी मोड में क्या वैल्यू होती है वो भी चेक कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यूज को फिल करना सबसे पहले मैं मोड डिफाइन करूंगी तो मोड में मैं लिख दूंगी आर जी बी मोड एंड देन मुझे स्पेसिफाई करना है साइज जो इमेज का मुझे साइज क्रिएट करना है उसे मैंने टपल में देना होता है इन द फॉर्म ऑफ टपल मुझे वैल्यू पास करनी होती है सबसे पहले मुझे विथ्स लिखनी है सपोज मैं विथ लिखती हूँ सेवन हंड्रेड कॉमा हाइट दे देती हूँ एट हंड्रेड तो इस तरीके से एक टपल क्रिएट होता है जो कि साइज डिफाइन करेगा विथ्थ और हाइट इन पिक्सल्स डिफाइन करेगा अब अगर मैं ये इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो बाय डिफॉल्ट इमेज ब्लैक कलर की होगी यानी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का होगा अगर मैं अपनी मर्जी से कोई कलर देना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सपोज एक टप्पल ले लेती हूँ और यहाँ पे मुझे तीन वैल्यूज पास करनी है अकॉर्डिंग टू द कलर आई वांट ओके तो जो भी तीन वैल्यूज पास करनी है वो इंटीजर वैल्यूज होंगी और हर एक इंटीजर की रेंज है जीरो से लेकर टू फिफ्टी फाइव आई विल शो यू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से अगर आप गूगल पे जाके गूगल कलर पिकर टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप कलर पिक कर सकते हैं सपोज मैं इसे क्लिक करती हूँ ये एक गूगल कलर पिकर खुल गया है यहाँ से आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसकी आपको आर वैल्यू मिल जाएगी एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ तीन वैल्यूज आपको दिख रही है जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है उसकी आपको यहाँ पे आर वैल्यूज मिल जाएंगी यहाँ से आप अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी आर वैल्यू चेक कर सकते हैं एज यू कैन सी यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी अगर मैं प्योर व्हाइट कलर चाहती हूं तो मुझे 255, 255 और 255 टाइप करना आई गेस ये प्रॉपरली शो नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे आप देखिए ये 255 के आगे भी है यस

एंड टू फिफ्टी फाइव एंड टू फिफ्टी फाइव तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा जो कलर है वो व्हाइट कलर हो इमेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो व्हाइट कलर का हो तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर स्पेसिफाई कर रही हूँ नाउ वी कैन मूव टू द फॉन्ट ऑब्जेक्ट लेटस क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट आई विल राइट एफ ओ एन टी ऑब्जेक्ट ओके फॉन्ट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज फॉन्ट डॉट ट्रू टाइप तो अगर आप ट्रू टाइप के बारे में नहीं जानते हैं आप प्लीज गूगल कर लीजिए दो तरीके की फॉन्ट फाइल्स आपके पास अवेलेबल होती हैं एक होती है ओपन टाइप फाइल एक होती है ट्रू टाइप फाइल तो अगर आपकी जो फॉन्ट फाइल है वो ट्रू टाइप की है तो आप ट्रू टाइप को कॉल करेंगे अगर फॉन्ट फाइल ओपन टाइप की है तो आप ओपन टाइप को कॉल करेंगे आपको अगर ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो आपको जस्ट क्या करना है गूगल पे जाके फॉन्ट फाइल को डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के लिए मैंने गूगल पे टाइप किया था डाउनलोड फॉन्ट फाइल्स तो ऐसे एक वेबसाइट आई थी वन फ्री फॉन्ड्स डॉट कॉम इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यहां से मैंने कुछ फॉन्ड सिलेक्ट किए और यहां से फाइल डाउनलोड की ओके okay? उसके बाद मैंने यहां पे जाके फाइल को सेव कर लिया ये फॉन्ट फाइल है मेरी फॉन्ट फोल्डर है इसमें मैंने सेव कर लिया जिप फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर ली फाइल्स और जैसे कि आप देख सकते हैं ये दो फोल्डर्स में एक्सट्रैक्ट कर चुकी हूं ऑलरेडी तो मैं इसे क्लिक करती हूं इन इमेजेस को आप इग्नोर कीजिए ये जब जस्ट सैंपल इमेजेस हैं यहां पे आप देख सकते हैं दो फाइल्स हैं आपके पास एक का एक्सटेंशन है ओ टी एफ और एक का एक्सटेंशन है टी टी एफ आई एम नॉट श्योर इफ यू आर एबल टू सी दिस और नॉट बट एक का एक्सटेंशन है ओ टी एफ और एक का एक्सटेंशन है टी टी एफ ओके तो मैं यूज करने वाली हूँ विद टी टी एफ एक्सटेंशन आप चाहे तो OTF एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ओपन टाइप को कॉल करना है मैं यहाँ पे ट्रू टाइप को कॉल कर रही हूँ इन साइड द ट्रू टाइप मेथड मुझे यहाँ पे कॉल कर आ, मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है इस फाइल का पाथ जो मैंने डाउनलोड की है ये टी टी एफ फाइल तो मैं यहाँ से पाथ को कर लेती हूँ कॉपी यहाँ पे विद इन द सिंगल कोड्स मुझे पाथ को स्पेसिफाई करना है एंड नेक्स्ट मुझे फाइल का नाम भी स्पेसिफाई करना है इसी के साथ वो ही होता है मेरा ट्रू पाथ तो यहाँ से मैं इसका नाम भी कॉपी कर लेती हूँ इस तरीके से और एक्सटेंशन है टी टी एफ ओके एक और चीज आपको स्पेसिफाई करनी है ये चीज आप नॉर्मली भी याद रखिए कि अगर आप कोई भी पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं कभी भी अपने पाइथन फाइल के अंदर तो इट इज बेटर कि आप इसे डबल स्लैश में कन्वर्ट कर दे कहीं भी सिंगल स्लैश है पाथ के अंदर वहां आप डबल स्लैश दे दीजिए ठीक है ये खासकर मैं पार्थ के लिए बता रही हूं वरना हमेशा ही एरर या वार्निंग साइंस आ ही रहे होते हैं क्योंकि पाइथन में स्लैश का मतलब अलग होता है जब आप स्ट्रिंग्स यूज कर रहे होते हो तो स्लैश का मतलब अलग होता है एस्केप सीक्वेंसेस में यूज किया जाता है स्लैश को तो आप इसे अवॉइड करने के लिए आप डबल बैक स्लैश यूज कर सकते हैं ये एक एस्केप सीक्वेंस का ही पार्ट बन जाता है और ये प्रॉपरली रीड भी हो जाता है ये मेरी फॉन्ट फाइल है जिसका पार्ट मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया किसके अंदर ट्रू टाइप मेथड के अंदर इसके साथ एक चीज मुझे स्पेसिफाई करनी होती है वो होती है साइज ओके फॉन्ट का जो साइज मुझे स्पेसिफाई करना वो 10 होता है अगर मैं इससे ज्यादा स्पेसिफाई करना चाहूं, तो मैं खुद स्पेसिफाई करूंगी कॉमा दे के अब यहाँ पे मैं सपोज स्पेसिफाई कर रही हूं 250, ओके okay, ये मेरा फॉन्ट साइज में चाह रही हूँ इमेज के अंदर नाउ वी आर रेडी विद द फॉन्ट ऑब्जेक्ट वी कैन क्रिएट अ ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट फॉर दैट वी नीड टू राइट

बाइंड कर रही हूँ जोड़ रही हूँ लिंक कर रही हूँ अपनी इमेज के साथ जिस इमेज पे मुझे ड्राइंग पेन यूज करना है उसे मुझे लिंक तो करना पड़ेगा तो इस इमेज पे जो मैंने इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इसी इमेज पे मुझे टेक्स्ट uh, लिखना है तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मुझे बाइंड करना पड़ेगा इस इमेज के साथ इसीलिए मैं यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट पास कर रही हूँ जो मैंने अभी क्रिएट किया है अब ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी बन चुका है नाउ आई कैन ड्रॉ द टेक्स्ट मेरे पास ड्रॉइंग ऑब्जेक्ट आ गया मेरे पास फॉन्ट स्पेसिफाई हो गया मेरे पास इमेज क्रिएट हो रही है तो अब बस रह गया टेक्स्ट लिखना तो अब मैं क्या करूंगी ड्राइंग ऑब्जेक्ट की मदद से ही मैं टेक्स्ट लिखूंगी ड्राइंग ऑब्जेक्ट के दो मेथड्स है जिनकी मदद से मैं इमेज पे टेक्स्ट लिख सकती हूँ पहला है टेक्स्ट मेथड ठीक है दूसरा है मल्टीलाइन टेक्स्ट मेथड दोनों ही दोनों टेक्स्ट लिखने के काम आते हैं मल्टीलाइन का मतलब नाम से ही आप समझ गए होंगे अगर मुझे मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखना तो मैं मल्टीलाइन टेक्स्ट को कॉल करूंगी अगर मुझे सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखना तो मैं टेक्स्ट को कॉल करूंगी सबसे पहले टेक्स्ट को कॉल कर लेते हैं टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको पास करने हैं ओके okay. तो जो पहला पैरामीटर है जो टेक्स्ट के अंदर आपको पास करना है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट जो आपको स्पेसिफाई करना है कि टेक्स्ट कहां पे हो ठीक है टेक्स्ट की आपको पोजीशन डिफाइन करानी है टेक्स्ट की आपको पोजीशन डिफाइन करवाने के लिए उसके एक्स वाई कॉर्डिनेट बताने होंगे कि टेक्स्ट कहां से स्टार्ट हो उसका टॉप लेफ्ट कॉर्नर का आपको एक्स वाई स्पेसिफाई करना होता है ओके तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक्स वाई कॉर्डिनेट ऑफ द टेक्स्ट वो भी टपल की फॉर्म में लिखेंगे ओके टपल की फॉर्म में आप क्या बता पाएंगे ये देखिए एक्स वाई कॉर्डिनेट एक्स वाई कॉर्डिनेट का मतलब होता है कि आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको स्पेसिफाई करना है तो वो मैं यहाँ पे सपोज अगर जीरो कॉमा जीरो लिखती हूँ आपको बताने के लिए मैं कर रही हूँ ये कि जीरो कॉमा जीरो का मतलब हो गया जहां से इमेज स्टार्ट हो रही है बिल्कुल उसी पॉइंट से उस बेसिक पॉइंट से मेरी आ, मेरा टेक्स्ट भी स्टार्ट हो ओके okay? मेरे टेक्स्ट का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर हो वो बिल्कुल इमेज के स्टार्ट में ही हो जो कि बिल्कुल सही नहीं लगने वाला है बट जस्ट टू तो शो यू गाइस कि इसकी पोजीशन क्या होने वाली है मैं जीरो जीरो रख रही हूं नेक्स्ट इज द टेक्स्ट जो भी मुझे टेक्स्ट लिखना है वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी तो सपोज मुझे टेक्स्ट लिखना है एम वीज कोड गाइड ओके तो ये मेरे चैनल का नाम है ये मैंने टेक्स्ट में लिख दिया अब मुझे स्पेसिफाई करना है फिल ओके फिल इक्वल्स टू फिल का मतलब क्या होता है कि आपको टेक्स्ट का क्या कलर चाहिए वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है ये भी उसी तरीके से स्पेसिफाई करना है आप कलर पिकर पे जाके यहां से कलर पिकर पे जाके आप कुछ भी चूज कर सकते हैं मैं यहाँ से जीरो 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 रख लेती हूँ बैकग्राउंड इमेज का मैंने व्हाइट रखा है और टेक्स्ट का कलर जो है वो मैं ब्लैक रख रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी जीरो काम जीरो कलर भी मैंने डिफाइन कर लिया अब रह गया फॉन्ट क्योंकि मैं कुछ टेक्स्ट लिख रही हूँ उसका फॉन्ट अगर मैं चाहती हूँ डिफाइन करना तो मैं लिखूंगी फॉन्ट इज इक्वल टू अब मैंने ऑलरेडी एक फॉन्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है तो मैं वो यहाँ फिर स्पेसिफाई कर दूंगी फॉन्ट ऑब्जेक्ट ओके जो मैंने बनाया वही मैंने स्पेसिफाई कर दिया नाउ द लास्ट स्टेप वी नीड टू सेव द इमेज इमेज क्रिएट हुई है इमेज ऑब्जेक्ट नाम से तो सेव भी उसी की मदद से करेंगे तो लिखेंगे इमेज ऑब्जेक्ट डॉट सेव अब इन साइड द सेव मैथड हमें क्या लिखना है इमेज का नाम जिस नाम से इमेज क्रिएट हो तो मैं लिख दूंगी माई इमेज डॉट जे एक्सटेंशन भी देनी है ओके okay? अगर मैं चाहती हूँ किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाके ये सेव हो तो मैं फुल पाथ दे दूंगी यहाँ पे मैं अगर सिर्फ नाम दूंगी तो ये रिलेटिव पाथ ले लेगा यानी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही ये इमेज सेव होगी और यहां से मैं उसे देख भी पाऊंगी तो आप देखना जैसे ही मैं इसे रन करूंगी तो यहाँ पे अभी फिलहाल माई इमेज नाम की आपको कोई फाइल नहीं दिख रही है कोई इमेज नहीं दिख रही है बट जैसे ही मैं इसे रन करूंगी तो इमेज क्रिएट होगी और आप उसे देख पाएंगे ओके okay? लेट मी सेव दिस एंड रन दिस ये देखिए यहाँ पे अभी साथ ही साथ इमेज ये फाइल भी क्रिएट हो गई है लेट मी ओपन दिस एंड शो यू द आउटपुट ये एक अच्छा आउटपुट नहीं आने वाला है डेफिनेटली ये पूरा आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी प्रॉपर पोजीशनिंग भी नहीं की है इसका फॉन्ट भी नहीं किया है आप अपने हिसाब से अब एडजस्ट करेंगे फॉन्ट साइज इमेज का साइज ताकि ये पूरी चीजें आपको दिख जाए ओके यहाँ पे क्या करेंगे हम पहले तो हम फॉन्ट साइज को छोटा कर देते हैं यहां से फॉन्ट साइज हो गया छोटा प्लस मैं चाह रही हूं कि इसकी विथ भी थोड़ी सी बढ़ा दी जाए सपोज 1200 कर दी जाए ना लेट मी सेव दिस एंड रन दिस इट विल ओवर राइड ओके इसी इमेज को ओवर करेगा तो यहां से आप देखो ये शुरू हो रहा है टॉप लेफ्ट कॉर्नर जीरो जीरो से और ये हमें इमेज दिख रही है अब मैं इसकी पोजीशनिंग चेंज करती हूँ यहाँ पे पोजीशनिंग थी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में स्पेसिफाई कर रही थी कि मेरा टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो अगर देखो अब मैं इसे हंड्रेड करूंगी तो आपको एक विजिबल डिफरेंस भी दिखेगा save this and run this. अब आप विजिबल डिफरेंस देख पाएंगे ये देखिए ये आगे हो गया अगर मैं इससे भी ज्यादा करूं 500 पे ले जाऊं इसको भी 500 पे ले जाऊं तो आप एक विजिबल डिफरेंस नोटिस करेंगे देखिए ये कितना चेंज हो गया है इसका पोजीशनिंग तो आप अपने हिसाब से पोजीशनिंग चेंज कीजिए वाइट okay. है. Uh, है इसका कलर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं मैं से कोई, ले लेती हूं. Okay. कोई भी कलर ले, ले लेते हैं फोर्टी सेवन ट्वेंटू ट्वेंटी फोर ओके कॉपी आई डोंट नो व्हाट व्हाट इज दिस कलर बट मैं यहाँ से सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये कलर कॉपी कर रही हूँ सेव करते हैं रन करते हैं और अब आप इस इमेज को देखिए इस इमेज का कलर चेंज हो चुका है तो आप यहां से कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर आप चाहो तो आप बैकग्राउंड में कलर ना देके बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड कर लो बन जाएगी हमारी यहाँ इमेज कोट ओके कोट भी आप अपनी मर्जी से दे सकते हो बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर लोगे तो बन जाएगा इमेज कोट अब क्या करेंगे जहां पे हम बाकी तो कोट सेम रहने वाला है ये पूरा का पूरा सेम रहेगा जहां पे हम इमेज को क्रिएट कर रहे थे वहां क्रिएट ना करके रीड करेंगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल रखी हुई है ये वाली ठीक है ये ऑलरेडी एक फाइल है मेरे पास जो मैंने अपनी वर्किंग डायरेक्टरी में रखी है मैं क्या करूंगी मैं एक नई इमेज ना क्रिएट करते हुए बनी बनाई इमेज को रीड करना चाहती हूं तो मैं इस वाली चीज को कर दूंगी कमेंट और मैं फिर से लिखूंगी इमेज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन दिस इज हाउ वी रीड एन इमेज इन पाइथन तो यहां पर मैं स्पेसिफाई कर दूंगी पार्थ अब मुझे पूरा पार्थ स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इमेज मेरी वर्किंग डायरेक्ट्री में ही पड़ी हुई है ठीक है तो यहाँ से मैं इसका नाम कॉपी करके स्पेसिफाई कर सकती हूँ अगर आपकी इमेज करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आपको फुल पाथ देना पड़ेगा जैसे मैंने फॉन्ट फाइल दी है फुल पाथ के थ्रू क्योंकि मैंने फॉन्ट फाइल जो है वो वर्किंग डायरेक्टरी में सेव नहीं की थी तो मुझे फुल पाथ देना पड़ा वैसे ही आप यहाँ पे भी फुल पाथ दे सकते हो बट मैं नहीं दूंगी मैं सिर्फ नाम लिखूंगी और एक्सटेंशन दे दूंगी जेपीजी जो कि इसकी रियल एक्सटेंशन है तो ये ओपन हो जाएगी और अगर अब आप इसे सेव करके रन करेंगे तो बैकग्राउंड में इमेज आने वाली है ना कि कोई कलर या कुछ बैकग्राउंड कलर ठीक है तो इसे रन करते हैं अब आप माई इमेज को देखिए दिस इज माई इमेज और ये है मेरा ये है मेरा कोट ओके okay? तो ये जो भी आपने स्पेसिफिकेशन दिए उसके हिसाब से जैसा बनता होगा ये वैसा बन गया है अब आप चाहो तो अब आप इसके इस इमेज के अकॉर्डिंग अपने फॉन्ट का साइज बढ़ाओगे सपोज आप 550 कर दीजिए और आप इसकी जो पोजीशनिंग है अपने टेक्स्ट की वो भी चेंज कर दीजिए सपोज आप 400 और 800 कर दीजिए ओके सेव दिस एंड रन दिस आपको जैसे भी ठीक लगे आप इसकी पोजिशनिंग कीजिए और रिक्वायर्ड आउटपुट आप ले सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड आउटपुट अगर मैं इसका एक और बार फॉन्ट साइज क्रिएट कर दू और फिर एक अच्छी सी इमेज क्रिएट हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा नाउ आई थिंक दिस इज फाइन तो ये एक अच्छा सा इमेज क्रिएट हो गया इसकी जगह आप कोई कोट भी लिख सकते हो मैंने चैनल का नाम लिखा है आप कोई कोट लिख सकते हो सपोज मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूं लिव लव लाफ ओके सेव इट रन इट एंड सी इट लिव लव लाफ ओके अब देखो अगर मैं चाहती हूं कि ये एक लाइन में ना आए मल्टी लाइन टेक्स्ट आए तो यहां से मैं क्या मल्टी लाइन टेक्स्ट को कॉल करूंगी यहां पे मैं क्या कर दूंगी लिव लव लाफ अब मैं इसकी पोजिशनिंग भी चेंज कर सकती हूँ टेक्स्ट भी छोटा कर सकती हूँ जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं और कोई अपने हिसाब से अपनी मर्जी इमेज ले सकते हैं कोट ले सकते हैं और प्यारे से इमेज कोट क्रिएट कर सकते हैं नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिएट सम अमेजिंग इमेज कोट्स यूजिंग पैथर्न कोड एंड शेयर देम ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो इफ यूर हैविंग फन लर्निंग विद मी प्लीज लाइक माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एम वीज कोड गाइड प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग थैंक यू